الدين الخالص الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذَامِرٍ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافي لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عُقْدَةً من لساني يفقهوا قولي

दरुद्लम अल्लाह के नबियों पर अल्लाह के रसूलों पर अल्लाह के मलाइका पर अल्लाह के नेक बंदों पर खसूस आखिरी नबी जनाब महमद मुस्तफ़ा अहमद मुतबा पर इस मजलिस का मकसद या ये नश्त क्यों मुनकद की गई है अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ नई बात मिलेगी कुछ नई जानकारी देंगे या कोई चटपटी बात सामने आएगी या कोई लच्छेदार तकरीर मिलेगी तो मैं समझता हूं कि आप गलती पर हैं कोई नई बात नहीं है कोई नई चीज नहीं है दीन वही पुराना साढ़े चौदह सौ साल पुराना वही कुरान और वही हदीस तकरीर क्यों की जाती है मैं आपको दो हदीस सुनाता हूं

तो आदम अलिस्ला की पीठ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दाहिने हाथ को फेरा अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं अल्लाह ने आदम पीठ पर अपने दाहिने हाथ को फेरा और जित तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ फेरने की वजह से कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले थे उसमें हम और अब भी थे सबके सब बाहर आ गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की आंखों के दरमियान एक रोशनी और एक चिराग बना दिया सुम्मा रज़हुम आदम फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहि सलातो वसलाम के सामने उनकी जुर्रियत को फैलाया तो अल्लाह रब हजरत आदम अलैहि सलाम ने पूछा मन हा उलाय या रब मन हा उलाय या रब अल्लाह ये कौन लोग हैं इतना बड़ा जम्मे गफीरी कौन है कहा आदम कहा ए आदम ये तुम्हारी औलाद है तुम्हारे बेटे हैं और तुम्हारी बेटियां जो कयामत तक आएंगी हर आदम ने नजर दौड़ाई सबके ऊपर सबके रोशनी को देखा इसी भीड़ में हजरत आदम को एक ऐसा लड़का भी नजर आया जिसकी रोशनी जिसके आंखों के दरमियान जो रोशनी अल्लाह ने बनाई थी जो चिराग रखा था ये जो रोशनी रोशनी बनाई थी वो और लोगों से बहुत तेज थी अल्लाह आदम ने पूछा अल्लाह के रब, रबुल आलमीन ये कौन है अल्ला आदम ये तेरी औलाद है जो आखिरी जमाने में आएगी कहा अल्लाह कम हो उम्र इसकी उम्र कितनी का सितू न सना कितनी उम्र है अल्लाह का साठ साल सिक्स प्लस जीरो साठ साल हरत आदम ने कहा अल्लाह अरबाऊ न सना मेरी जिंदगी से चालीस साल इस बेटे को दे इस, इस मेरे इस बेटे को दे दे कहा कौन है अल्लाह कहा ये तेरा बेटा जो आखिर जमाने में आएगा दाऊद सलाम है कहा अल्लाह कितनी उम्र बनाई कहा साठ कितनी उम्र है कहा साठ साल कहा अल्लाह मेरी उम्र में चालीस साल दे दे अल्लाह ने आदम की उम्र से चालीस साल निकाला और दाऊद की उम्र में डाल दिया और अल्लाह हर चीज पर कादिर है जब हजरत आद, आदम सलातम की जिंदगी पूरी हो गई उस चालीस साल के अलावा नौ सौ साठ साल गालिबा हाँ तो मौत मल्कुल पास आए कि मैं सही हदीत पेश कर रहा हूं कहा आदम आपकी उम्र के दिन पूज गए जिंदगी के याम खत्म हुए अब अल्लाह रबीन के बारगाह में चलिए आदम तो साहब ने कहा अवलमय यब का मीनू उम्र सना क्या मेरी उम्र कभी चालीस साल बाकी नहीं है तो मलक मौत ने कहा अवलम तो इबना का दाऊद क्या आपने वो चालीस साल अपने बेटे दाऊद को गिफ्ट नहीं कर दिया था तोफे में नहीं दे दिया था अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मेरी उम्र का चालीस साल मेरे बेटे दाऊद को दे दे हरत आदम मैंने नहीं दिया है फजहद आदम हरद आदम भूल गए या इनकार कर दिया फजह आदम फजहादर है तू आदम ने झगड़ा किया औदे आदम झगड़ा हो गई वन आदम आदम भूल गए क्या चालीस साल देकर आए हुए

अल्लाह आलमीन ने आदम के पीठ पर हाथ फेरा या आदम अलीलाम की औलादों में सारी औलाद को वादिये नामान में नाम कौन से सुनिएगा वादिये नामान में बाहर निकाला रावी खुद बताते हैं नामान कहां है कहते हैं यानी अरफता मैदान अरफात में फखर जा भी कुल जरा बदई तो अल्लाह रबीन ने आदम की पीठ से सारी औलादों को निकाल कर उनके सामने फैलाया की माने। बला फिर अल्लाह रब्लम हमसे और आपसे डायरेक्ट मुखातब हुआ हमसे और आपसे डायरेक्ट मुखातब हुआ और, और अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बी कुम अलस्त तो बिरब्बी कुम अदम के बेटो आदम की बेटियों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं क्या मैं ही नहीं हूं जो इबादत के लायक है कालू बला सबने, हमने और आपने सबने ये एतराफ़ किया तू ही इबादत के लायक है तू ही आलमीन है तू ही खालिकमा है तू ही सारे जहान का मालिक है और दुनिया में तू ही इकलौता है जो इबादत के लायक है अल्लाह ने कहा अंतकूल योमल किया मत इन्ना कुन्ना जिन कहीं ऐसा ना हो ऐ आदम याद रखना अपने बेटों को बताना ए अंबिया की जमात अपनी उम्मतियों को बताना अ लोगो अपने लोगों को बताना कहीं ऐसा ना हो कि कयाम के दिन तुम ये कह दो हम इस हादसे से गाफिल थे हुए पता ही नहीं था ये कब हुआ औ तकुल कबल उम कबलू वकुन्ना जो और कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कह दो हमारे बाप शिर करते थे दादा शिर करते थे दादी शिर करते थे नाना शिर करते थे नानी शिरक करते थे हमारे आबादा शिर करते हुए आए हम उनके घर में पैदा हुए मुशर घर में पैदा हुए तो मुशरक हो गए देखो ये बहाना ना कर देना अबा तो हलिक मुफ्तिल अल्लाह ने कही बहाना नहीं चलेगा लेकिन एक सवाल यह क्या आपको यह तो पैमान याद है सच से बताइएगा किसी को आपको याद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलीसलातूसलाम की पीठ से निकाला कोई नहीं याद है किसी को याद है आदम को आदम के सामने निकाला आदम जिंदा थे ताबंदा थे हाथ के आदमी चलती फिरती मखलूक उसके सामने उसकी औलाद को निकाला जा रहा है और उसके सामने उसकी उम्र को ट्रांसफर किया जा रहा है उस नबी को खबर नहीं है कि मैंने ऐसा किया है ठीक है तो हमें और आपको कैसे याद हो सकता है इसलिए इसलिए अल्लाह रबुल इस एहदो पैमान को जो यहां कर रहा है हिसाब व किताब हमारा नहीं करेगा कब करेगा हल्ला रब्बुल आलमी कुरान मजीद फरमाता है हम किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देंगे जब तक कि हम उसके दरमियान रसूल ना भेज दें जो ये बताएगी ये दो पैमान हुआ है रसूल आएंगे वो बताएंगे अये आदम के बेटो तुम भूल गए हो हम तुम्हें याद कराने वाला भेजेंगे हम नबियों को भेजेंगे हम रसूलों को भेजेंगे हम सिलसिला लगा देंगे और जब नबियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा हम उलमा की जमात के जरिए तुम्हें भूली हुई बात को याद कराएंगे ये मजलिस इसलिए नहीं मुनद हुई कि आपको नई बात बताई जाए बल्कि इसलिए मुनकद की गई है कि आप भूल गए आपको याद कराया जाए कोई नई बात नहीं है सब पुरानी बातें बद भूली हुई बातें याद कराने की कोशिश है और हम भूल गए वाकई में हमें मुझे अफसोस के साथ ये कहना हो पड़ता है कि रमजान का महीना आता है रमजान की रातें आती हैं रमजान का चांद नमूदार होता है ऐशा की नमाज में और मगरिब की नमाज में इतनी भीड़ हो जाती है कि ये भी फुल है वो भी फुल है और नीचे वाला भी फुल ये रमजान में हाँ रमज़ान का अपना मकाम है रमजान रहमत गुफरान का महीना है रमज़ान कुरान के न का महीना है रमजान ललितकदरे वाला महीना है लेकिन अल्लाह के बंदो जिस अयाम में हम दाखिल होने वाले हैं अशरय दिल हिज्जा में रब्बे काबा की कसम इसके अयाम का मुकाबला रमजान के दिन भी नहीं कर सकते मैं अपने अल्फाज फिर दोहरा रहा हूं इन दिनों में जिनमें हम दाखिल होने वाले हैं ये रमज़ान के दिनों से अफजल हैं ियत का अंदाजा लगाना हो अल्लाह रबी ने कुरान मजीद्रज्र के वक्त की, कसम है फज्र की, नमाज की कसम है फज्र की किरात की, की, की। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं दस रातों से मुराद यहां दिल हिज्जा के दस दिन हैं कोई कहे रात बोली साहब दिन कह रहे सवाल तो आता है ना कभी अरबी जुबान में ये कायदा है ये आम बात है कि कभी जुद बोला जाता है कुल मुराद लिया जाता है कभी कुछ बोला जाता है उसका उल्टा मुराद लिया जाता है मिसाल के तौर पर फान कुल्लुन आलिया रबी काम सारी चीज फना हो जाएगी बाकी रहने वाली साथ बाकी रहने वाली चीज तेरे ते रब रबालमीन का चेहरा है तो क्या हम ये मान लें कि अल्लाह रबुल आलमीन का चेहरा महफूज रहेगा हाथ महफूज नहीं रहेगा हम ये मान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा महफूज रहेगा पैर महफूज नहीं रहेगा हम ये मान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा महफूज रहेगा आजा जवारे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ निस्बत की है जो अपने बारे में बताएगी कि तजरी बी आनना हमारे आंखों के सामने बह रही थी नू की कश्ती अल्लाह क्यामत के दिन जहन्नम में पैर डाल डालेगा हता वजा जब्बारु कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कदम कहा कैसा है अल्लाह जाने लेकिन साबित है अल्लाह ने जुज बोला लेकिन अल्लाह कहना चाहे मेरा मैं मैं महफूज रहूंगा पूरे के पूरा बाकी दुनिया की हर चीज फना हो जाने वाली है अल्लाह के नबी अल्लाह रबूला तो आ, अक्सर मुबसरी बाकी की जानब गए कि यहां अल, अशर से मुराद दुलहिजा की रातें हैं अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं

कोई ऐसा दिन नहीं है साल के तमाम दिनों में कोई ऐसी इबादत नहीं है जो इन दिनों में की गई इबादत से बेहतर हो अफजलो कोई इबादत साहब के राम ने जब अल्लाह के नबी ने सुना कि इन दस दिनों में की गई इबादत का, का मुकाबला कोई इबादत नहीं कर सकती इन दस दिनों में की गई इबादत अल्लाह को तमाम दिनों की इबादतों में सबसे ज्यादा महबूब है और पसंद है साहब के राम ने अपने जहनों को दौड़ाना शुरू किया उन अहादिश की तरफ जिनमें अमल की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई थी साहब के राम ने अपने जहनों को दौड़ाना शुरू किया और साहब के राम के दिमाग में बहुत सारी हादिसें दौड़ने लगी जो साहबे के राम हा अल्लाह के नबी व जरवत सनामि हाजद दीन अल जिहाद फी सबिल अल्लाह इस दीन की सबसे बुलंद चोटी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है ए अल्लाह के नबी आप कहते हैं इन अबबाब अल जन्नति तहत जिलाल अल जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए तले हैं ए अल्लाह के नबी आप कहते हैं इन फिल जन्नत 100 दर्जा मा बैन दर्जा तई निकमा बैन समाई व जन्नत में 100 मंजिलें हैं हर मंजिल से दूसरे मंजिल की दूरी उतनी है जितनी जमीन और आसमान की दूरी है आद्दहल्लाहुल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किया है अल्लाह के नबी रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है इनल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बान लहुमुल जन्नत कि अल्लाह ने मुसलमानों से उनके जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है लियाल जो अल्लाह के रास्ते में कताल करते हैं फयक कतल करते हैं वैक तुलू वैक और शहीद किए जाते हैं वह आदनाल ही कुरान अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं इस दिन में अमल का मुकाबला कोई इबादत नहीं कर सकती विहादुफी फी सबीलिल्लाह अरे अल्लाह के नबी अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इन दस दिनों में की गई इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता अल्लाह के नबी ने फरमाया वल जिहादुफी फी सबीलिल्लाह हां साहबा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन दस दिनों में की गई इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता इल्ला, 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 ठहरो साहबा रुको अभी बात बाकी है ऐसा ठुरो सुनो इल्ला सेवाए उस मुजाहिद के रजुल खराजा बिनफ सिर्ज मिन का मुजाहिद के जो अपनी जान और अपना माल लेकर मैदान जंग में शरीक हुआ और जंग में से ना उसको उसका माल मिला वापस और ना जान मिली शहीद हो गया शहीद कर दिया गया या जंग में शिकस्त हो गई मुसलमान हार गए और उसका माल भी चला गया जंग में और वो शहीद कर दिया गया इस हदीस में एक बात और भी पता चलती है हमेशा जीतने में मजा नहीं आता कभी कभी हारने की फजीलत इतनी है कि जंग हार गए हैं जान चली गई ये माल चला गया अल्लाह कह रहे घबराओ नहीं तुम्हारा मुकाम मरतबा साव साव से ऊपर है अल्लाह रजुल उस इंसान के जो अपनी जान और अपने माल के साथ निकला दोनों जान और माल अगर सिर्फ जान लेकर निकला है तो भी मुकाबला नहीं है अशरदिलजा से और अगर सिर्फ माल भेज दिया है जान घर में ही है तो भी मुकाबला नहीं है अशर दिलजा के अमल से दोनों अल्लाह के नबी के जो अपने जान और माल के साथ निकला यर जिमिंदारी का बिशन कुछ भी लेकर वापस नहीं लौटा तो ऐसा हबा उसका मकाम अलग है उसका रुतबा अलग है उसका दर्जा अलग है उसकी जन्नत अलग है ये ये वो अशरा है जिसको हमने लाहौल में बिताना सीखा हम लायान काम पड़े रहे हम चाय के होटलों में पड़े रहे हम इधर भटके उधर भटके कभी मोबाइल पर लगे रहे पबजी खेलते हुए कभी लूडो में लगे रहे कभी किसी काम में किसी काम में अल्लाह रब्बुला अल्लाह की कसम इन दस दिनों से बेहतर कोई अमल मौजूद नहीं है रमजान का अमल भी मैं कह रहा हूं मैं अपनी बात को बार बार दोहरा रमजान का अमल भी रमजान में की गई इबादतें भी इन दस दिनों का मुकाबला नहीं कर सकती अल्लाह के नबी हजरत नबीत इ हाफिद हजर हाफिद नजर अली इस हदी की शरा करते हुए बैठते हैं मामिन का क्या वजह है क्या वजह है कि इस दस दिन को अल्लाह रब्बुल रबी ने बकिया तमाम दिनों पर फौकियत दे रही हत्या की रमजान पर कहते शायद ला इसकी वजह यह है कि इन दस दिनों में वो तमाम इबादतें की जाती हैं जो बकिया की साल के किसी दिनों मुमकिन नहीं है बड़े पॉइंट की बात है इस दस दिनों में अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन ने इस्लाम की बड़ी बड़ी इबादतों को जमा कर दिया बल्कि मैं यह कहूं कि अल्लाह रब्बुल रब्बालमी ने इन दस दिनों में इस्लाम की सारी इबादतों को जमा कर दिया है सारी इबादतों को कहते हैं शायद इसकी वजह यह है कि इस दस दिनों में हज जैसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हज जहाज यू इस दस दिन में हज जैसी इबादत है कि आदमी अपना घर अपना बार अपना परिवार अपने माँ बाप अपना कारोबार अपनी तिजारत सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में हज करने के लिए निकलता है और अपने हज को फिसको जोर से लायानी कामों से गाली गुलोच से बेहुदगी से बुराइयों से महफूज लगता है रजा कयोमिन वलदतु उम्मू तो अल्लाह की कसम वो अपने हज वापस लौटता इस हाल में गोया उसकी मां ने उसे अभी जना है बेगुना बेगुना और शायद इसकी वजह यह है इन दस दिनों के इतनी की इतनी फजीलत क्यों हो है इसलिए कि इसमें रोजे जैसी इबादत है रोजे जैसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिकुल अमल इब्न आदम इला सबे मियत देफिन, इला आदमत कसीरा इब्न आदम के हर अमल का बदला दस गुना से लेकर सत्तर गुना और सत्तर गुना से लेकर सात सौ गुना इलाफिन कसीरा और अल्लाह जितना चाहे उतना दे ये इब्न आदम का अमल है इल्ला सौम रोजे के कौन सा रोजा मौली साहब रमजान का रोजा आम रोज़ा रोज़ा रोज़े के ली वा अना भी। रोजा मेरे लिए है। और मैं ही उसका बदला दूंगा शराब हो वह शहबत हूँ मिन अजली व अना अजी सोमली वना अजीबी बंदा अपनी शहावत को अपने खाने को अपने पीने को अपनी बीवी को अपने शहावत जरूरिया को छोड़ता है मेरी खातिर रोजा मेरे लिए है और मैं हित का बदला दूंगा लखलुफ्यबू इंदिंद कयामत के दिन मुजाहिद आएगा मुजाहिद इंसान आएगा उसके जिस्म में तीर लगा होगा तलवार लगी होगी जा लगा होगा जख्मी होगा जिसमें किसी हिस्से में ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आएगा जिस हिस्से से खून ना बह रहा हो लव नहू लवन जाफरान अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस खून का रंग जाफरान का रंग होगा अब बाद रिवायत में लवनहू लवन दम उसके खून का रंग खून के रंग का होगा लाल वरी री रीलिश लेकिन ऐ सहाबा उसके खून से उसके जख्म से जो महक आएगी वो मिश्क की महक होगी दुनिया के सारे जख्म से बदबू आती है बदबू आती है शहीद के जख्म से अल्लाह के नबी का खुशबू आएगी किसकी खुशबू मिश्क की खुशबू आएगी जी किसकी फजीलत है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया खलूफम इन दिन री हिल मिस रोजेदार के मुंह से रोजे की वजह से जो बू निकलती है वो अल्लाह के नदी शहीद के खून से आने वाले मिश्र से ज्यादा महबूब है इसलिए इस अशरे इस की अहमियत है इस अशरे में नमाज है इस इसके सथ, इसका तो खैरात है इस अशरे आश, में इस्ते है अल्लाह के नबी फरमाते हैं मिनया मिला अशर लोगो अल्लाह के नजदीक तीन सौ पचपन दिनों में या तीन सौ पैंसठ दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं जो अल्लाह के नजदीक इन दस दिनों से ज्यादा अजमत का बाइस हो और जो अल्लाह को ज्यादा महबूब हो इन दस दिनों से फ अक्सरूफ़ी नहलील व तकबीर व तहमीद अः अल्लाह के बंदो ला यानी कामों को छोड़ दो बेहूदगी को छोड़ दो गाली गलोक को छोड़ दो बुराइयों से तोबा कर लो अल्लाह की बारगाह में आज अक्सर तहलील ला लसरत से कहो वह तकबीर अल्लाह उब्र कहो व तहमीद अल्हमद्ला कहो अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की बरियाई अल्लाह की हमदोसना करो अल्लाह से इस्तार करो अल्लाह से गिरिया गुजारी करो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो वकफन तो अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं तारीख जब अरफा का दिन, दिन होता है और यह फजीलत भी मैं कह रहा हूं गौर से तो सुनिएगा यह फजीलत भी रमजान को नहीं मिली है इजाकान यौ मुफा रमजान की रातों में अल्लाह रबूल आलमीना दुनिया में नज़ूल करता है हदीस मौजूद साल की तीन सौ पैंसठ रातों में नज़ूल करता है हदीस मौजूद और कहता है कोई मांगने वाला जो मुझे मांगे उसकी मैं मांग पूरी कर दूं है कोई अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करने वाला जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करे मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं है कोई मुझे सवाल करने वाला जिसकी मैं सवाल को पूरा कर दूं रात को जबकि दुनिया की पंचानवे पढ़ना आबादी सोई रहती है रमजान में भी पंचानवे पढ़न आबादी सोई रहती है शायद ही पांच परसेंट लोग जागते हो एक तखमीना एक अंदाजा है मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूं ना किसी का सर्वे है ये आम बता रहा हूं कि इंसान रात बनाई सोने के लिए तो लोग सोते हैं और अल्लाह रात को आता है आसमानी दुनिया पर और सवाल करता है कोई मांगने वाला ईदा काफा जब अरफा का दिन होता है इला समाए दुनिया अल्लाह दिन दहाड़े आसमानी दुनिया पर आता है वहां रात को आता है जब पंचांग पढ़ लोग सो रहे हैं और यहां दिन को उतरता है कि पंचांग पहाड़ लोग जाग रहे हैं फयुबा ही फयुबा ही बिहुल मलाइका अल्लाह अरफा के मैदान में देखता है अपने बंदों को परागंदा सर परागंदा बाल परेशान हाल अल्लाह फरिश्तों से कहता है अय फरिश्तों फरिश्तों मेरे बंदों को देखो उनकी आजिदी को देखो उनके एहराम के लिबास को देखो उनकी इनके सारी को देखो उनकी पुकार को सुनो अए मेरे बंदो ऐरे फरिश्तो इसमें मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा है अपने कारोबार को छोड़ा है अपनी तिजारत को छोड़ा है अपने

को माफ कर दिया फरिश्ते जब रब्बुल आलमीन के इस आम ऐलान को सुनते हैं फरिश्ते कहते हैं मलाइका या रब्बी फतकुल्बी फुल मुरहिक वह व वह फुल मुरहिक अल्लाह तू कह रहा है तूने अपने सारे बंदों को माफ कर दिया अल्लाह कहेगा हाँ मैंने अपने सारे बंदों को माफ कर दिया फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे ऐ अल्लाह जो तेरा बंदा वहां खड़ा है कोने में उसने ये और ये गुनाह किया था ऐ अल्लाह तेरा बंदा जो वहां खड़ा है वहां कोने में जो उसने ये और ये गुनाह किया था अल्लाह जो बंदा वहां खड़ा है उसने ये और ये गुना किया था अल्लाह कहेगा इन गफर तुलरिश्तों रहना मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमामिन यौमिन मिन यौमिन अक्सर कमिन यौम अरफा साल के तीन दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल रब्बुलमिन इतनी बड़ी तादाद में अपने बहा बंदों को जहनम से निजात देता है जितनी अरफा के दिन देता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं हो सकता है किसी के दिमाग में यह बात आए कि ये तो हाजियों के लिए है हाँ हाजियों के लिए मैं मानता हूं अरफात के मैदान में जो है उनके लिए है लेकिन अल्लाह के नबी हतीत फरमाते हैं खैर दुआई दुआ अरफा खैर दुआई दुआ अरफा सबसे बेहतरीन दुआ जो बंदा अपने रब्बुल आलमीन के सामने करता है वो अरफा के दिन की गई दुआ है अरफा के दिन की गई दुआ है यानी अल्लाह के बंदो अरफा के दिन दुआ का अहतमाम करो अपने गुनाहों की माफी मांगो रब के सामने रो गिड़ इंडिया में हो तो भी पाकिस्तान में हो तो भी बांग्लादेश में भी हो तो भी सिर्फ अरफा के लिए नहीं बल्कि खैर उ दुआ अरफा पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहा जा रहा है अरे मुसलमानों अरफा के दिन अल्लाह से दुआ करो अपने गुनाहों की माफी मांगो जो माफी में गलतियां हो गई है अल्लाह के आगे

हरत बिलाो अल्लाह के रसूल कुछ बात कहने वाले हैं खामोश हो जाओ फन सतन्नास सबके सब सहाबा खामोश हो गए फिर अल्लाह के नबीन आता अभी अभी मेरे पास जबरील आए फखरान मिन रबी السلام मुझे मेरे रब का सलाम कहा और मुझे ये अजीम बशारा सुनाई इन अल्लाह गफर अलीफात वाहरी अल्लाह रबालमीन ने अहले अरफात के गुनाहों को अहले अरफात के गुनाहों को और अहले मुतलफा के गुनाहों को माफ कर दिया है हजरत उम्र में खत्ता रजी अल्लाह तला खड़े हुए का अल्लाह के रसूल हमने इस्लाम को कबूल किया हमने इस्लाम की खातिर अपने कारोबार अपने कारोबार को छोड़ा अपने शहर अपने वतन अदीत को छोड़ा अपने बीवी बच्चों को छोड़ा अपने माँ बाप को छोड़ा अपने दुश्मन अपने रिश्तेदारों से जंग की अपने रिश्तेदारों को शहीद किया ये किया वो किया अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले अरफात के गुनाहों को माफ कर दिया है अहादल खास या रसूल अल्लाह अय अल्लाह के नबी हमारी इन कुर्बानियों का बदला दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने आपके साथ दी है जंग की कारोबार छोड़ा वतन छोड़ा हमारी कुर्बानियों का बदला अल्लाह दे रहा है अहादल खास सुन क्या यह हमारे लिए खास है अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया हाजा यमा अय उमर ए सहाबा ये तुम्हारे लिए भी है और कयामत तक मेरे उम्मत के जितने अफराद आएंगे उनके लिए भी है ये वही अरफा है जहां अल्लाह ने हमसे पैमान लिया है ये वही अरफा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि से अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया क्या अल्लाह के नबी अल्ला हम अर्फा के दिन रोजा रखते हैं तो इस रोजे का हमें क्या फायदा मिलेगा तो अल्लाह के नबी ने कहा युका माजिया वल बाकिया ये रोजा मुझे उम्मीद है मुझे यकीन है कि इस रोजे की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साल गुज़िश्ता गुनाहों को माफ कर देगा और एक साल आइंदा गुनाहों की माफी का जरिया बन जाएगा यह हदीस हम बारह सुनते हैं और हम जब भी असय इज्जा आता है खतीब जुमा के दिन यह हदीस जरूर बयान करता है सवाल यह है कि हमने जो गुनाह माजी में किया अल्लाह ने उसे माफ कर दिया माकूल है हमने गुना किया माफ कर दिया अल्लाह ने जो गुना हमने किया ही नहीं जो अभी हुआ ही नहीं हदीस कह रही अल्लाह रबुल उस गुना को माफ कर देगा जो गुना हुआ ही नहीं वो कैसे माफ हुआ जब कोई गुना हो तो माफ किया लिखा जाए तो मिटाया जाए ना लिखी हुई चीज कैसे मिटा दी गई अल्लाह अबिनसैमिन इस हदीक की शराह करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की मुराद कि अल्लाह लो अरफा के रोजे की बरकत से गुदिश्ता गुनाह को माफ कर देगा ये वाज़े है ये क्लियर है कि गुनाह हुआ था अल्लाह ने उसको माफ कर दिया अब डाउट किस में है कि अल्लाह आइंदा गुनाह को माफ कर देगा का इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह रबुलमीन अपने बंदे को जिसने अरफा के दिन रोजा रखा उस रोजे की बरकत से उसकी हिफाजत करेगा गुनाहों से पूरे साल उससे गुना सरजद नहीं होंगे रोजे की बरकत से एक दिन का रोजा आप पूरे साल गुनाहों से सेफ्टी और अगर बाई चांस गुना हो भी गए हो भी गए इंसान है तो अल्लाह रबुलमिन उस बंदे को तोबा की तोफीक देगा और मिन कम अल्लाह जम्बल तो उस तो अपने गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान वैसे ही होता है जैसे उसने कोई गुना किया ही नहीं सारा गुना गुना मिटा हुआ है अल्लाह गुना मिटा देगा यानी तोबा की तोफीक देगा उस बंदे को गुना हो जाएगा तो अल्लाह उस गुनाह को बाकी नहीं रखेगा अल्लाह के नबी हजरक आमिर तमाते हैं योम आरफा व्योमहरी अय्याम तश्री की ईद उना या अहल इस्लाम ए मुसलमानो अरफा का दिन योम नहर ईद का दिन और तशरीक के तीन अयाम अयाम तशरीक ग्यारह बारह और तेरह तारीख हम मुसलमानों की ईद का दिन है मुसलमानों हाजियों के लिए अरफा के दिन से ईद है और हमारे लिए नहर से हमारे लिए नहर से ए मुसलमानों तुम्हारी ईद का दिन है उमहरी व यौ मुल कर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक तमाम दिनों में तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन साल के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन हफ्ते का सबसे अफजल दिन जुमा का दिन और साल का सबसे अफजल दिन यौम नहर र्बानी का दिन व यो मुल कर और कुर्बानी के बाद के तीन अयाम ग्यारह बारह और तेरह तारीख हुन्ना अयाम अकलीम व शुरबिन अ लोगो वो खाने खिलाने के दिनें इन दिनों में रुदर रखना हराम है ये वो अयाम है ये वो नेकियों की आंधिया है क्या के नबी फरमाते हैं इफ अल खीरा द ऐ लोगो सिर्फ रमजान इबादत मत करो सिर्फ रमजान में मस्जिदों को आबाद ना करो सिर्फ रमजान में कुरान को उठाकर ना देखो बल्कि इफ अल्ख रकुम साल की साल इबादत करते रहो साल की साल इबादत करते रहो नमाज पढ़ते रहो कुरान की तिलावत करते रहो इस्तिगफार करते रहो अल्लाह के सामने रोते रहो गड़गिड़ाते रहो वर रबिनफात रब्बिकुम और उन अतिया से आलमीन की खैर की जो आंधियां चलती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तेज हवाएं भेजता है खैर की हवाएं खैर की आंधियाँ खैर के अतियात और तोहफे रजूल रब उनकी दर पे रहो उनको हासिल करने की कोशिश करते रहो फी इसलिए कि अल्लाह आलमी की नेकियों की आंधियाँ जब आती हैं तो अल्लाह जिसे चाहे तो अपने बंदों से को उन आंधियों से फायदा उठाने की तोफ़ीक देता है उन अतियात से नवाजता है तो उन अतियात को गनीमत समझो ये दस दिन जो मिले हैं ये अतिया है ये खैर की आंधियां है ये खैर की तेज और तेजोतून खुशगवार हवाएं हैं जिनसे आप फायदा उठाइए अपने बाल बच्चों को तालीम दीजिए अपने घर की औरतों को तालीम दीजिए कुरान की तिलावत करिए कीजिए रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगिए और रमज़ान में जितना एहतमाम करते हैं उससे ज्यादा इसका इन दस दिनों का या बल्कि तेरह दिनों का एहतमाम कीजिए सबसे अफजल अयाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे जब तक दारे फानी दरक सही अकीद इस्लाम बरिंद रख आज हमारा खात्मा ईमान भी खैर आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू